हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जिस तरह से हर मूवी में कोई ना कोई विलन होता है जो हीरो को हीरोइन से मिलने नहीं देता या हीरो और हीरोइन के बीच आता है, उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी तीन ऐसे विलन हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देते, हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच आते हैं। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष लालवानी, आई एम इंग्लिश एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे विलन के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में आते हैं। अगर आप इन तीन विलन्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें तो आप अपने जो सपनों की दुनिया है उसे रियल लाइफ में बदल सकते हैं और आप वह सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला और बड़ा जो विलन है हमारी लाइफ का वह है फियर, यानी कि डर। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग अपने ज़िंदगी में कुछ नया या अपने मनपसंद का काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे ये सोचते हैं कि अगर वे यह काम करेंगे और अगर फेल हो गए या सफल नहीं हो पाए तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह मेंटलिटी बनानी होगी कि हम खुद के लिए पैदा हुए हैं या दूसरों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मनपसंद का काम नहीं करते या आप कुछ नया ज़िंदगी में नहीं करते तो आपके ज़िंदगी में सफल होने के 80% चांसेस कम हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर हम पास्ट में झांक कर देखें तो ऐसे कई सारे काम होंगे जो हमने लोगों के डर से नहीं किए होंगे, अगर हम करते तो कहीं और होते। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने से डरते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग अच्छी इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वे लोगों से इंग्लिश में बात करने से डरते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग बिजनेस में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे कुछ नया करने से डरते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का सोचकर आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर पाते वे लोग तो गिरगिट की तरह होते हैं, आपकी सफलता से पहले और सफलता के बाद कुछ और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप से यह प्रॉमिस करना होगा कि कुछ भी नया काम करने से पहले आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे और नहीं डरेंगे उनसे। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर एक लम्हा इम्तिहान होता है, मिलता नहीं डरने वाले को कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का जो सेकंड सबसे बड़ा विलन है वह है एक्सक्यूजेस। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे बहाने बनाते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिन जिन लोगों ने बहाने बनाए उन्होंने आज तक कभी कुछ अचीव नहीं किया और जिन लोगों ने अचीव किया है उन्होंने कभी कुछ बहाने नहीं बनाए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के जो बहाने होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मुझे लाइफ में अच्छी एजुकेशन नहीं मिली इसलिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही बहाना अगर धीरूभाई अंबानी ने बनाया होता तो आज शायद हम उन्हें नहीं जानते। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अत्यंत गरीब परिवार से रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर यही बहाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया होता तो आज मैं आपके सामने इनका एग्जांपल नहीं लेता। फ्रेंड्स, कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी इसलिए मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यही बहाना लता मंगेशकर ने बनाया होता तो आज पता नहीं वह कहाँ होती। फ्रेंड्स, आज हम इन सारी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़ के एग्जांपल इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहाने न बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी ज़िंदगी की। फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह के बहाने बनाते हैं तो आप किसी और को नहीं खुद को धोखा देते हैं। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, जो चलते हैं अपने मंजिलों की ओर वे गिले शिकवे नहीं करते हैं और जो गिले शिकवे करते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचते। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का जो तीसरा विलन है वह है फैटलिस्टिक एटीट्यूड। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और फिर सफलता न मिलने पर दूसरों को या भाग्य को दोष देते हैं। जैसे
एक बार एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है, उस घोड़े को अपने अस्तबल में बांध देता है। अस्तबल में बांधने के बाद उस पर वह एक तख्ती लगा देता है और लिख देता है कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति आता है और उस घोड़े को खरीद लेता है और उसे रेस में दौड़ाता है। रेस में दौड़ाने के बाद वह जो घोड़ा होता है सबसे आखिरी नंबर पर आता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास फिर जाता है और उसे घोड़ा वापस दे देता है। पहला व्यक्ति फिर से घोड़े को अपने अस्तबल में बांध देता है और फिर से एक तख्ती लगा देता है और उस तख्ती पर लिख देता है कि इस घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। तो फ्रेंड्स, अगर वो व्यक्ति चाहता तो उस घोड़े को ट्रेनिंग दे सकता था और उसे वह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बना सकता था, पर उसने यह नहीं किया। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट काम न करने की वजह से असफल हो जाते हैं और फिर वह भाग्य को या दूसरों को दोष देते हैं। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हमने जैसे पास्ट में कर्म किए हैं वैसी हम अभी प्रेजेंट में ज़िंदगी जी रहे हैं, और जैसे कर्म हम आज प्रेजेंट में कर रहे हैं वैसी ज़िंदगी हम फ्यूचर में जिएंगे। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पे टाला नहीं जाता।